फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे बेसाइड्स, अलोंग एंड अक्रॉस। ध्यान दें, यहाँ बेसाइड है एक तो और एक है बिसाइड्स, ठीक है। एक में एस जुड़ा हुआ है और अलोंग और अक्रॉस, तो ये चार प्रीपोजिशन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बेसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में या समीप के लिए हम लोग बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे देखिए इसका रूल, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के बगल में हो, कहाँ हो, बगल में, पास में हो, तो उसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे देखिए, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है बिसाइड मी, यानी मेरे बगल में या मेरे समीप बैठा हुआ है। तो वह मेरे बगल में या मेरे समीप बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, गो यानी जाओ एंड सिट और बैठो। जाओ और बैठो कहाँ? बिसाइड यूअर ब्रदर, तुम्हारे भाई के बगल में या तुम्हारे भाई के समीप या तुम्हारे भाई के बगल में बैठो। तो जाओ और तुम्हारे भाई के बगल में बैठो, ठीक है। तो बगल में होने के लिए, इस बगल वर्ड के लिए या फिर समीप के लिए हम लोग बिसाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है देखिए फ्रेंड्स, बिसाइड्स, ऊपर वाले में एस नहीं था, इसमें क्या लगा हुआ है? एस, यानी बिसाइड की मीनिंग में जब एस लग जाएगा तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? अलावा या अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। एग्जांपल देखिए, यानी देखिए, बिसाइड्स का प्रयोग किसी चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ के लिए होता है। किस चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ के लिए होने का मतलब है, यानी आपके पास कोई चीज़ है उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर कोई वस्तु है आप लोगों के पास में, तो उसके लिए हम लोग बिसाइड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ ए कार बिसाइड्स ए मोटरसाइकिल। ही हैज ए कार बिसाइड्स ए मोटरसाइकिल, यानी उसके पास एक मोटरसाइकिल के अलावा। तो ये बिसाइड्स किसके लिए यूज हुआ है? मोटरसाइकिल, यानी उसके पास एक मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी है। क्या और है? उसके पास एक कार भी है, यानी मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी है। नेक्स्ट देखिए, अब बिसाइड्स ए बुक ही बॉट ए रजिस्टर। बिसाइड्स ए बुक ही बॉट ए रजिस्टर, सेकेंड फॉर्म है वाई की। तो एक पुस्तक के अलावा ही बॉट ए रजिस्टर, उसने एक रजिस्टर भी खरीदा। एक पुस्तक के, किताब के अलावा उसने एक रजिस्टर भी खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे अलावा, यानी उसके पास रजिस्टर के अलावा क्या और है, यानी बुक के अलावा क्या और खरीदा उसने? रजिस्टर, यानी एक एक्स्ट्रा वस्तु खरीदी है। नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स बींग ऑनेस्ट ही इज काइंड आल्सो। बींग यानी होता है होना, क्या होता है? बींग यानी होना, यानी बिसाइड्स बींग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलेंगे फ्रेंड्स इसको, एच साइलेंट होता है, ये मीनिंग्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। तो बिसाइड्स बींग ऑनेस्ट ही इज काइंड आल्सो, ईमानदार होने के अलावा, ईमानदार होने के अलावा वह दयालु भी है। ईमानदार होने के अलावा वह क्या है? दयालु भी है। तो के अलावा, यानी उसके अंदर दोनों गुण हैं, दयालु भी और ईमानदार भी है। ऐसे ही देखिए ऊपर वालों में, यानी बुक के अलावा उसने क्या और खरीदा? रजिस्टर खरीदा। यानी जब दूसरा सेंस लेंगे हम लोग, दूसरी एक एक्स्ट्रा वस्तु होगी या एक्स्ट्रा गुण होगा, तो आप लोग उसके लिए यूज करोगे बिसाइड्स का एस वाली मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अलोंग। अलोंग यानी होता है फ्रेंड्स किनारे किनारे। क्या होता है अलोंग? यानी किनारे किनारे। जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु जैसे नदी, सड़क आदि के किनारे किनारे चल रहा हो या गतिशील हो। जब कोई वस्तु व्यक्ति दूसरी वस्तु जैसे नदी, सड़क आदि के किनारे किनारे गतिशील हो, चल रहा हो, तो उस समय हम किसका यूज करेंगे? उस जगह पे अलोंग का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, वह चल रहा था अलोंग द रोड, यानी सड़क के किनारे। तो किनारे चल रहा था, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था सड़क के या नदी के किनारे चलने की जब बात होगी तो अलोंग का यूज करेंगे। जब कोई वस्तु व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति जैसे सड़क या नदी के किनारे चलने की बात होगी तो हम लोग अलोंग का यूज करते होते हैं। क्या क्या यूज किया हमने? अलोंग का यूज किया, ठीक है। द ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर, वृद्ध व्यक्ति चल रहा था किसके किनारे चल रहा था? रिवर, नदी के किनारे। तो वो गतिशील भी है, इस एग्जांपल में भी आपने देखा सड़क के किनारे चल रहा था यानी गतिशील है, और इधर रिवर के किनारे चल रहा है तो यहाँ पे वो वृद्ध व्यक्ति गतिशील है, यानी गतिशील होना चाहिए।
और जब किनारे किनारे के लिए सेंस में हम लोग किसका यूज करेंगे, अलोंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए अक्रॉस, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं, यानी पार करने के लिए, एक तरीके से पार शब्द के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे देखिए ही वेंट अक्रॉस द रिवर, वह चला गया, कहाँ चला गया, नदी के उस पार, या फिर वह नदी के पार चला गया, यानी इस छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, पार कर करके जाने के लिए, पार करने के लिए हम लोग अक्रॉस का यूज करेंगे। तो ही वेंट अक्रॉस द रिवर, तो वह नदी के उस पार चला गया, नदी के पार चला गया। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार एक पुल है, नदी के उस पार क्या है, एक पुल है, यानी अब वो पुल किस प्रकार होगा, इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक क्या होगा, वो पुल होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए। और देखिए आई कैन स्विम अक्रॉस द गंगा, गंगा नदी की बात हो रही है यहाँ पे, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ अक्रॉस द गंगा, यानी गंगा नदी के पार तक मैं तैर कर जा सकता हूँ या तैर सकता हूँ गंगा नदी के पार तक। गंगा नदी के पार तक का मतलब है कि उसके एक छोर से दूसरे छोर तक को वो पार कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या यूज करेंगे, ऐसी कंडीशन हम लोग यूज करेंगे अक्रॉस का। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।